Sociology of Development, Topic 51. Present status of socialist model of development. With the rise of global capitalism, it can be concluded that with the rise of global capitalism due to the process of globalization, the socialist model of development has lost its popularity and it is in a process of decline. जो कैपिटलिस्ट मॉडल है वो मार्केट को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देता है, कंज्यूमर चॉइसेस जो हैं उन पे कंट्रोल नहीं करता, कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म देता है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, स्टेट का मिनिमम रोल है इन मार्केट में, और खास तौर पे जब ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है ये दुनिया में फास्ट ट्रैक ग्लोबलाइजेशन होनी शुरू हुई, ट्रेड एग्रीमेंट शुरू हुए, जो WTO का रोल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो की रोल आया ग्लोबल ट्रेड में, ट्रेड बैरियर स्टेट टू स्टेट खत्म हुए, अब एक चीज जो USA में प्रोड्यूस होती है वो पूरी दुनिया की मार्केट में आना शुरू होगी, एक चीज जो चाइना में प्रोड्यूस होती है वो USA से लेके नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑल एशिया, अफ्रीका, हर जगहों पे वो चीजें पहुंचनी शुरू हुई, ट्रेड बैरियर्स खत्म हुए, मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, ट्रेड के जो बेनिफिट्स हैं वो बड़ी इकोनॉमी ने वो उठाने शुरू किए, वो जो ग्लोबलाइजेशन और पोस्ट ग्लोबलाइजेशन न्यू लिबरलिज्म की जो डिबेट्स दुनिया में आई उन्होंने बहुत डिफेंसिव कर दिया सोशलिस्ट इकोनॉमीज को. Socialist economies were in their structure not able to compete with the capitalist model of development. So, natural about few decades ago, इसमें natural decline आना शुरू हो गया. और सबसे बड़ा जो disaster हुआ with the socialist model of economy, कि economic system जो Soviet Union का था वो collapse कर गया, और सोवियत यूनियन जो है वो कोई दर्जन के करीब मुल्कों में बट गई, उन्होंने अपनी स्टेट्स को इंडिपेंडेंट कर दिया, पूरा सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप जो है वो सोवियत यूनियन से आजाद हुआ, सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमिक मॉडल था वो सस्टेन नहीं कर पाया, दुनिया में उस तरह कम्पीट नहीं कर पाई उनकी प्रोडक्ट्स जिस तरह उन्हें कम्पीट करना चाहिए था, ऐसे लग रहा था कि स्टेट अपना बोझ ही नहीं उठा पा रही और अल्टीमेटली वो डिसइंटीग्रेट होगी. तो फ्रॉम लास्ट फ्यू डेकेड्स एंड स्पेशली आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन देर वॉज अ ग्रेजुअल एंड समटाइम द मैसिव फॉल इन टर्म्स ऑफ द सोशलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल अक्रॉस द ग्लोब. पूरी दुनिया में सोशलिस्ट डेवलपमेंट का जो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया. Socialist model of development is a development model of the past and not for the present. अगर हम आज की दुनिया में देखें तो हम कह सकते हैं कि जो socialist model of development है ये माजी में रहा, आजमाया गया, इसकी बड़ी ideological foundation strong थी, बहुत बड़ी political commitment थी इस model के पीछे, बहुत trained political leadership थी जो इस model को lead करती थी, बट स्टिल ये मॉडल अपने स्ट्रक्चर में ही ऐसा नहीं था कि ये कैपिटलिज्म को कम्पीट कर सकता. सोसाइटी में कभी भी आप क्लासेस इस तरह से खत्म नहीं कर सकते कि आप क्लास के दरमियान कंपटीशन ही खत्म कर दें, ये सोसाइटी ही आपकी स्टैटिक हो जाएगी. तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज थी, जो कम्युनिस्ट इकोनॉमीज थी, उन्होंने भी जो कैपिटलिज्म का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसे अडॉप्ट कर लिया. उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल चाइना है, देन लेटर ऑन वियतनाम है. वियतनाम दुनिया के जो सोशलिज्म की डिबेट्स हैं बहुत बड़ा नाम है. अभी क्यूबा है, क्यूबा ने अपनी इकोनॉमी को बहुत चेंज किया. वेनेजुएला है, वेनेजुएला ने अकॉर्डिंगली चेंजेस की और जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी है उसको अडॉप्ट करने की ट्राई की. हम कह सकते हैं कि जैसे कमांड कैपिटलिज्म का तस्वर है, शुरू में इसको अडॉप्ट किया, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज यूज टू अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. And later on, we can say, at the present stage, even the countries which are communist in their origin, but at this time,
they are agreed that the socialist model of development is the model of past, not the present. The certified development model at present time, which is dominating all of world across the continents, and no doubt it is being led by the Western Europe and the USA. Now other players are also there. Japan is there. They all are following the capitalist model of government. So this is the successful and dominant model across the world.